हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले की वीडियो में हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप टैली को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली के कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं और टैली में किस प्रकार से कंपनी को बनाया जाता है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो उस कंपनी में तो किस तरीके से आप उस कंपनी को एडिट कर सकते हैं, और लास्ट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से बनी हुई कंपनी को आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस भी दुकान या बिजनेस की एंट्री करना चाहते हैं, आप उस बिजनेस या दुकान की सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम टैली को ओपन करते हैं। यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। आप यहाँ पे नीचे वर्क इन एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट कीजिए। जब भी आप वर्क इन एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्क इन एजुकेशनल मोड में आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख की एंट्री ही कर पाएंगे। अगर आपके पास टैली का लाइसेंस वर्जन है तो आप उस वर्जन में महीने के पूरे दिन की एंट्री कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सीखने के लिए एजुकेशनल मोड का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम नीचे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और इस तरह की कंपनी क्रिएशन स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डिजायर कंप्यूटर एकेडमी दे रहा हूँ। मेलिंग नेम यहाँ पे सेम रहेगा। एड्रेस में जो भी एड्रेस है आपकी कंपनी का, आप वो एड्रेस दे सकते हैं। कंट्री नेम में मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको साइड में लिस्ट ना आए तो आप स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। स्टेट में मैंने मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई डिटेल ना हो तो आप एंटर करके उसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर करके फोन नंबर, फैक्स और ईमेल को छोड़ दिया है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, आप ये बात हमेशा याद रखिए। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, इसमें आप वो डेट चूज कीजिए जब से आप बही खातों की पुस्तकें बनाने जा रहे हैं। मैं इस डेट को सेम रख रहा हूँ। टेली वॉल्ट पासवर्ड आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर टेली वॉल्ट पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो टेली आपका डाटा इनक्रिप्ट कर देती है, जिससे कि बाद में आप इस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को ध्यान से यूज कीजिए आप लोग। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल को भी नो कर रहा हूँ। इस फीचर के यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे करेंसी सिम्बॉल को मैं रुपीज रख रहा हूँ। अगर आप कोई भी कंट्री चूज करेंगे तो अपने आप करेंसी सिम्बॉल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया चूज किया था तो यहाँ पे रुपीज का सिम्बॉल आ चुका है। फॉर्मल नेम मैं यहाँ पे INR रख रहा हूँ, इंडियन रुपीज। एड स्पेस बिटमेन अमाउंट एंड सिंबल, अगर आप चाहते हैं कि जो भी अमाउंट की वैल्यू है और जो सिंबल है उन दोनों के बीच में अगर स्पेस आ जाए तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस ना आए तो आप इसे नो रहने दीजिए। शो अमाउंट इन मिलियन, इस ऑप्शन को मैं नो रख रहा हूँ। अगर इस ऑप्शन को यस कर दूंगा तो जो अमाउंट है अपने आप मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 लाख रुपए का 1 मिलियन होता है। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो जैसे ही आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट होगा वह 1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, अगर आप इसे 2 रखते हैं जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट आता है, तो आप बिल में पैसों की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 1 रुपए 50 पैसे, यहाँ पे 50 पैसों में 2 अंक है, मतलब 2 डिजिट है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, इसमें मैं पैसा लिख रहा हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएंगे वो पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पैसा लिख रहा हूँ। और लास्ट में मैं एंटर करूंगा तो इस टाइप की पॉपअप स्क्रीन नजर आएगी। आप सिंपली वाई प्रेस करके यस कर दीजिए या फिर आप एंटर बटन का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर बटन यूज कर रहा हूँ और कुछ ही टाइम में आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। पर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ही कंपनी नेम दिखाई देगा। दोस्तों अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप कंपनी को एडिट करेंगे। कंपनी को एडिट करने के लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं, और इसके बाद जिस भी कंपनी को एडिट करना है आप उस कंपनी को सिलेक्ट कीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है F1। यहाँ पर मैंने शिवानी डांस स्टूडियो की कंपनी को ओपन कर लिया है। देन मैं कंपनी को एडिट करने के लिए यहाँ पे कंपनी इन्फो में जाऊंगा, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F3। यहाँ पे आपको नीचे अल्टर का ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पे क्लिक कीजिए
और यहाँ से आपको कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरीके का फॉर्म नजर आएगा। आप यहाँ से इस फॉर्म में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि कंपनी का नाम हमें चेंज करना है, तो हम शिवानी डांस स्टूडियो को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिजायर कंप्यूटर एकेडमी। आप और भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिन कोड की फील्ड छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर और फैक्स, जो भी फील्ड आपने एम्प्टी छोड़ी थी, आप उसे फिल कर सकते हैं। देन लास्ट में नीचे आके इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे आकर देखेंगे कि आपकी कंपनी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम था शिवानी डांस स्टूडियो और वह चेंज होके हो चुकी है अब डिजायर कंप्यूटर एकेडमी। चलिए तो अब जान लेते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे डिजायर कंप्यूटर एकेडमी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे कंपनी इन्फो में, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता चुका हूँ, अल्ट के साथ F3। आप नीचे आइए अल्टर ऑप्शन पे और आप इसे सिलेक्ट कीजिए। अल्टर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको उस कंपनी को चूज करना पड़ेगा जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डिजायर कंप्यूटर एकेडमी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। आपको कंपनी डिलीट करने के लिए एक शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा, जो शॉर्टकट की है अल्ट के साथ D। आप इसे जैसे ही प्रेस करेंगे आपको सामने ही एक पॉपअप नजर आएगा, जिसमें वो कन्फर्मेशन पूछेगा कि आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं क्या। आप इसे यस कर दीजिए, जिसके लिए आप एंटर की का यूज भी कर सकते हैं और वाई बटन का भी यूज कर सकते हैं। देन अगेन कन्फर्मेशन आएगा, तो मैं इसे यस कर देता हूँ और ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि टैली में कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ और आप इस वेब पेज पे आ सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी इस वेब पेज पे आ सकते हैं। आप जैसे ही इस वेब पेज पे आएंगे आपको दो टाइप के लाइसेंस नजर आएंगे, सिल्वर और गोल्ड। जो सिल्वर लाइसेंस होता है वो सिंगल यूजर लाइसेंस होता है सिर्फ एक PC के लिए, जिसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 18,000 रुपये, जिसमें आपको अलग से GST पे करना होता है, जो कि होता है 3,240 रुपीज, जिसकी आपको ओवरऑल कॉस्ट पड़ जाती है 21,240 रुपये। आप यहां से नीचे बाय बटन पे क्लिक करके इस लाइसेंस को बाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड लाइसेंस की। तो गोल्ड लाइसेंस जो होता है वो मल्टी यूजर एडिशन होता है, जिसमें आप एक से ज्यादा PC में टैली को यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको लोकल एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। गोल्ड लाइसेंस की प्राइस होती है 54,000 रुपीज, जिसमें 18% GST अलग से होता है, जो है 9,720 रुपीज। अगर इसकी ओवरऑल प्राइस की बात की जाए तो यह आपको 63,720 रुपये में पड़ता है। आप इसे भी इसी प्रकार से नीचे बाय बटन पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। दोस्तों टैली का एक और लाइसेंस होता है जिसे रेंटल लाइसेंस भी बोलते हैं। आप अगर इसे यहाँ से स्विच कर देते हैं रेंटल में, तो यहाँ पे आपको रेंटल प्राइस शो होंगी, जैसे कि 1 month, 3 month और 12 month। अगर आप 1 month का सिल्वर रेंटल लाइसेंस लेना चाहते हैं तो 1 month के रेंटल लाइसेंस की प्राइस है 600 रुपीज, जिसमें 108 रुपये आपको GST अलग से पे करना होगा। और अगर आप इसमें 3 month का लाइसेंस यूज करना चाहते हैं तो जिसकी प्राइस होगी 1800 रुपये, जिसमें अलग से 324 रुपये GST रहेगा। और आप इसमें 12 month का भी रेंटल लाइसेंस परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है 7,200 रुपीज, जिसमें अलग से आपको 1,296 रुपये GST पे करना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर गोल्ड का भी रेंटल लाइसेंस परचेज करना चाहते हैं तो आप गोल्ड का भी रेंटल लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। गोल्ड का अगर 1 month का रेंटल लाइसेंस अगर आप लेने जाएंगे तो वो 1,800 रुपये में आपको पड़ेगा, जिसमें अलग से GST 324 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर 3 month का रेंटल लाइसेंस अगर लेने जाएंगे तो वो पड़ेगा आपको 5,400 रुपीज का, जिसमें आपको अलग से GST 972 रुपीज देनी पड़ेगी। साथ ही आपको 12 month का भी रेंटल लाइसेंस मिलता है, जिसकी प्राइस है 21,600 रुपये, जिसमें आपको अलग से 18% GST लग जाएगी, जो कि है 3,888 रुपये। और अगर आपको यहाँ पे टैली डाउनलोड करना है तो आप ऊपर यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। टैली के और भी लाइसेंस होते हैं, जैसे कि टैली डेवलपर 9।
अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और टैली में अलग से आप प्लगइन्स वगैरह को डेवलप करना चाहते हैं तो आप टैली का डेवलपर वर्जन यूज कर सकते हैं जिसकी प्राइस है 9,000 रुपीज, जिसमें अलग से आपको GST देनी पड़ेगी। और अगर आप रिटेल करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे टैली का शॉपर एडिशन है जहाँ पे से आप एनुअली और रेंट पे दोनों टाइप से परचेज कर सकते हैं, जिसमें टैली के शॉपर वर्जन की प्राइस है 1 मंथ के लिए 600 रुपीज और GST आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। टैली के शॉपर एडिशन को आप एनुअली बाय भी कर सकते हैं जिसकी प्राइस है 7,200 रुपीज, जिसमें अलग से आपको GST 1,296 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप शॉपर एडिशन यूज करते हैं तो आपको 3 टाइप के लाइसेंस देखने को मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। अगर आप गोल्ड में जाएंगे तो गोल्ड की एनुअल प्राइस रहेगी 21,600 रुपये और अगर सिल्वर में जाएंगे तो इसकी प्राइस रहेगी 7,200 रुपये। साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टैली सर्वर एडिशन। यह एडिशन लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनियों के लिए होता है जिसमें टैली ERP 9 गोल्ड का लाइसेंस होता है जिसकी प्राइस है 2,70,000 रुपये, जिसमें आपको अलग से GST 48,600 रुपये पे करनी पड़ेंगी। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। We'll be right back.